अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सर, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही बोल देता। मगर इस आदमी तो तुम्हारे होटल का यूनिफॉर्म पहन रखा है, वेटर का। मैं जानता हूँ सर, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो फिर ये आपके होटल में आया कैसे है? सर, ये यहाँ भेष बदल कर किसी से मिलने तो नहीं आया था चुपके से। हाँ, ऐसे तो कोई भी कहीं भी आ जा सकता है इस होटल में। वैसे इस फ्लोर पे कौन कौन लोग ठहरे? सर, ये फ्लोर तो वीवीआईपी के लिए बुक्ड है। कौन है ये वीवीआईपी? जी, विजयपुर की महारानी है और उनका स्टाफ है। उनके स्टाफ में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं कुल। ये मामला तो बड़ा सीरियस हो गया है, कहीं ये आदमी महारानी को मारने के लिए नहीं आया। अभिजीत, मेरे दिमाग में तो कुछ उल्टा ही आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं महारानी ने ही इसे मरवाया हो? ये महारानी कहाँ है? सर, हमने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में रुकाया है। और एक बात, जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, इस होटल में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, समझे? सर, किस मुसीबत में फंस गए हैं? इस होटल में खून हुआ है और हमें इस कॉन्फ्रेंस रूम में रुकाए गए हैं। अर्जुन जी, हमें इस तरह का मैनेजमेंट कतई पसंद नहीं। सॉरी महारानी जी, इस शहर में ये बेस्ट 7-स्टार होटल था, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। गलती? अब कहना क्या चाहते हैं? चाची सर, गुस्सा मत कीजिए प्लीज, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, प्लीज बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी मैडम,
क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हमें इस कॉन्फिडेंस रूम में क्यों कैद करके रखा गया है? हमने आपको कैद करके नहीं रखा है महारानी जी, आपके फ्लोर पे खून हुआ है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो इसीलिए आपको कॉन्फ्रेंस रूम में रुकाया गया है। आइए सर। मैडम ये CID से आए, इस केस की छानबीन करने, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महारानी जी हमें पता है आपको यहाँ थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या आप उस आदमी को जानती थी? हम पहले भी बता चुके हैं कि हम उस आदमी को नहीं पहचानते। देखिए महारानी जी, उस आदमी की लाश आपके फ्लोर पर मिली है और उस फ्लोर पर आपके अलावा और कोई भी नहीं रहता, तो जाहिर है या तो वो आदमी आपसे मिलने आया था या फिर आपके स्टाफ में से किसी और को। अरे हमने अभी आपसे कहा ना, और फिर से दोहरा रहे कि हम और हमारे स्टाफ में से कोई भी उस आदमी को नहीं पहचानता। अच्छा, वैसे ये सारे लोग हैं कौन? ये है तारिणी मेरी नीस। हेलो। ये है अर्जुन जी मेरे मैनेजर जो मुंबई में मेरा बिजनेस संभालते हैं। ये जूली मेरी सेक्रेटरी। ये सुभाष मेरे पीए। और ये है प्रीतम मेरा शेफ। और कुछ? ये महारानी तो अपना पूरा कारवा लेके चलती है, सेक्रेटरी से लेके शेफ तक। अर्जुन जी वैसे मुंबई में एग्जैक्टली आप क्या मैनेज करते हैं? मैंने कहा ना, मुंबई में ये मेरा बिजनेस संभालते हैं। क्या हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा बिजनेस है? मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानने की कोई भी जरूरत है। महारानी जी आपने सारे स्टाफ का इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, मगर इस लड़की से नहीं मिलवाया। ये लड़की कौन है? ACP साहब, आप खून की छानबीन कीजिए। इस लड़की का उस खून से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्या आप इस लड़की के बारे में कुछ छुपा रही हैं? ये आप नहीं समझे। प्लीज कुड यू एक्सक्यूज अस। अच्छा ठीक है, अभी तो आप कुछ बताना नहीं चाहते, मगर थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ बताना होगा, सब कुछ। एक मिनट दे, एक मिनट। दे, निकालो चाकू। चाकू को देख के लगता है जैसे कोई फ्रूट नाइफ या बटर नाइफ। सर, ऐसे नाइफ्स तो सिर्फ होटल्स में होते हैं। जरा देखो इस चाकू को गौर से, क्या ये चाकू आप ही के होटल का है? हाँ सर, ऐसा चाकू हमारे होटल के हर रूम में फ्रूट बास्केट के साथ होता है सर। क्या हर रूम में इसी तरह के चाकू होते हैं? जी हाँ, एक ही जैसे। होटल के हर कमरे का फूड बास्केट और नाइफ चेक करो, देखो किस कमरे से चाकू गायब है। सर। हाँ। हमने होटल के सारे रूम्स चेक कर लिए, किसी भी रूम से चाकू गायब नहीं है। जी हाँ सर, सारे रूम्स में चाकू फ्रूट बास्केट में है। सारे रूम्स में चाकू वहीं के वहीं है, तो फिर ये चाकू कहां से आया है? सर, ये चाकू हमारे होटल का ही है। एक मिनट। मैनेजर, ये चाकू किस रूम का है कुछ पता है? सर, ये भी तो हो सकता है सर कि ये चाकू किचन से आया हो। अरे किचन से आया तो उड़ के तो नहीं आया होगा ना, कोई ना कोई तो लेकर आया होगा यहाँ। सर, मुझे लगता है ये होटल के किसी आदमी का काम है। हाँ। चाकू पे कुछ लगा हुआ है सर, ये देखिए। विवेक सर, जरा प्लग कर देना। जी सर। हाँ
ये तो कोई कपड़े का धागा लगता है। सर, ये खाकी कलर का है। हाँ, और इसने तो ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अभिजीत, घाव को फिर से चेक करते हैं। देखो जरा, खोल। अभिजीत, लगता है इसने यूनिफॉर्म के अंदर कुछ पहना हुआ है। फ्रेडरिक, जरा बॉडी को पलटो। यस सर। आराम से पल्ले उठा। सर, ये तो कोई रिक्शा वाला है। ये देखिए, बैच का क्लिप भी है। हाँ, रिक्शा वाला अभिजीत। रिक्शा वाला इस होटल में क्या कर रहा है? सेवन स्टार होटल में, और वो भी इस फ्लोर पर जहां पर सिर्फ वीवीआईपी लोग ठहरते हैं। मैनेजर, ये आदमी यहां तक कैसे पहुंचा? वेटर का यूनिफॉर्म पहन के कोई भी मेन गेट से यहां तक नहीं पहुंच सकता। पता नहीं सर। पता नहीं, इडियट। एक मिनट, ये वेटर लोग कहां से आते जाते? पीछे के रास्ते से सर। आइए सर, ये हमारे वेटर्स के आने जाने का रास्ता है। एक मिनट, ये तो जनार्दन है, हमारा वेटर। जनार्दन? हाँ, लेकिन इसका यूनिफॉर्म किसने छीना? जरा प्लीज हेल्प करेंगे। जिंदा? इसका मतलब उस रिक्शे वाले ने जनार्दन को बेहोश किया, उसके कपड़े पहन के यहाँ से ऊपर गया। उस रिक्शे वाले को इतनी मेहनत करनी थी, पर सर वो ऊपर क्यों गया होगा? अब ये तो वही बता सकता था, वो तो मर गया, तो अब ये खून ही बताएगा। सर, वो देखिए। सर, ये तो रिक्शा बैच है। जरा निकालो। यस सर। संभाल के। ये देखिए। गुड जॉब विवेक, अब काम आसान हो गया। बैच के इस नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि वो आदमी है कौन। रिक्शा एसोसिएशन से पता लगाओ। क्या कहा? ये लो साथी। सुनिए, चंद्रू कहाँ पे रहता है? रूम नंबर 2 वहाँ पे रहता है। वहाँ पे? वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। जी? माफ कीजिए, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। आप कौन? मैं CID से आया हूँ और मेरा नाम विवेक है। CID? क्या बात है साहब? चंद्रू के बारे में कुछ बात करनी थी। चंद्रू के बारे में क्या बात करनी थी? आप उनकी? मैं उनकी पत्नी हूँ साहब, बताइए क्या बात है। एक्चुअली वो चंद्रू का। क्या चंद्रू का, बताइए ना। चंद्रू का खून हो गया है। मेरे चंद्रू का खून नहीं हो सकता, उसे भला कोई क्यों मारेगा? मेरा चंद्रू कहाँ है साहब? आप झूठ बोल रहे हैं, उसका खून नहीं हो सकता। उसके तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। देखिए, प्लीज आप अपने आप को संभालिए। अगर आप हमें कुछ बताएंगी तो हम आपके पति के खून तक पहुंच पाएंगे। चंद्रू का खून 7-स्टार होटल क्रिस्टल में हुआ है। क्या आपको पता है कि वो वहाँ क्या करने गए होंगे? मैंने मना भी किया था उसे, मत जाओ, वो महारानी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। आपको पता था कि होटल क्रिस्टल में विजयपुर की महारानी रह रही है? जी साहब, मुझे चंद्रू ने ही बताया था। और क्या बताया था चंद्रू ने? वो हमेशा महारानी की पोती के बारे में बातें करता था साहब। जिस दिन महारानी को उसकी पोती की सच्चाई का पता चलेगा, उस दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कौन से सच के बारे में बोल रहा था चंद्रू? एक दिन चंद्रू ने अखबार में पढ़ा
कि महारानी यहाँ मुंबई आ रही है, तब से वो खुशी के मारे उछल रहा था। मैंने उसे समझाया भी साहब कि इतने बड़े होटल में तुम्हारा घुसना भी नामुमकिन है, मगर वो नहीं माना। कहने लगा इतना बड़ा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। चंद्रू, उसके इसी पैसों के लालच ने उसकी जान ले ली साहब। नहीं, उसकी लालच नहीं, किसी और की पैसों की लालच ने उसे मार दिया। क्या मैं उसके सामान की तलाशी ले सकता हूँ? शायद मुझे कुछ मिल जाए। हाँ हाँ साहब, जो भी है बस यही पर है, ले लीजिए तलाशी। खबर आई है कि विजयपुर की महारानी शहर में आ रही है। लगता है वो किसी जरूरी काम से यहां आ रही है, अपने खोए हुए रिश्तेदार को ढूंढने के लिए। वैसे महारानी जी, ये पेपर की कटिंग हमें एक रिक्शा वाले के घर में मिली। वैसे एक रिक्शा वाला अपने घर में ऐसी पेपर की कटिंग क्यों रखेगा? हम क्या कह सकते हैं? वैसे महारानी जी, ये आपका खोया हुआ रिश्तेदार है कौन? ये बताना मुश्किल होगा। देखिए, ये एक मर्डर का केस है, खून का मामला है, कुछ भी बात छुपाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, समझिए आप। मेरी पोती राजेश्वरी जो बचपन में खो गई थी, उसका पता चल गया है। वो है ये लड़की आपकी खोई हुई पोती है जी। ये लड़की आपकी जायदाद की होने वाली मालकिन है जी। हाँ महारानी जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि यही वो लड़की है? जी, अर्जुन जी ने उसे ढूंढा है। अर्जुन जी, आपको कैसे पता चला कि यही लड़की महारानी जी की खोई हुई पोती है? जी वो मैंने सब अच्छी तरह से पता लगा लिया है। झूठ बोल रही है। हाँ चाची साहब, झूठ बोल रही है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ चाची साहब, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लड़की आपकी पोती नहीं है। क्या क्या बकवास है ये? ये बकवास नहीं, सच है, और मैं इसे साबित कर सकती हूँ। कैसे? एक मिनट। देखो ये काम बड़ी होशियारी से करना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम राजेश्वरी नहीं हो। लेकिन पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे, तुम्हें जितना समझाया गया है उतना ही करो, और महारानी को बस इम्प्रेस करती रहना, समझी? अर्जुन जी, हमने आप पर विश्वास किया और आपने विश्वासघात। महारानी जी, ये आवाज मेरी नहीं है। ये तुम्हारी ही आवाज है। कल रात की लड़की तुम्हारे कमरे में आई थी या नहीं? बोलो कौन है ये लड़की? मैं। चुप! उस आदमी का खून क्यों किया तुमने? मैंने किसी आदमी का खून नहीं किया, मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं हूं। उस आदमी ने तुम्हारे और इस लड़की की बातें सुन ली, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया? मैंने किसी का खून नहीं किया। तुमने उसका खून नहीं किया? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। सर इस आदमी की बात तो मुझे विश्वास नहीं, किसी ने खून किया होगा। सर इसके कमरे की तलाशी ले लेते हैं, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। ये माफ कर दीजिए सर, मेरे मन में लालच आ गया था सर, पर सर। हाँ, पर उस रिक्शा वाले ने तुम्हारे तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है, नहीं तो तुम्हारा प्लान चल भी जाता। क्यों सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि रिक्शा वाला आ रहा है सर। मैंने तो लालच में आकर एक लड़की को नकली पोती बनाकर महारानी जी के सामने खड़ा कर दिया था सर। बस। हाँ सर, लेकिन सर मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है सर। झूठ की बीन बजाना बंद कर, समझा? सच सच बोल। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और हाँ, उस रात को जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने एक आदमी को सीढ़ियों में भागते हुए देखा था सर, पजामे में। कौन था वो सर? वो
वो रूम नंबर 216 वाला आदमी था सर। सर उसे जरूर कुछ पता होगा सर। रूम नंबर 216। आग! कौन है? हम लोग सीआईडी से। देखो साहब, मैंने खून नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देखो पास में बताना क्या मैं पूछ रहा हूँ। रुको एक मिनट, बात सुनो, रुको तुम। देखो साहब, मैंने देखा, मैंने सिर्फ देखा है साहब, मैंने खून नहीं किया। क्या देखा है तुमने? साहब ये एक लाश थी, मैंने अपनी आंखों से देखी थी साहब। पार देखो, हमें पता है तुमने लाश देखी है, लेकिन हमने उस लाश को हटा दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब, कैसे हटा दिया? मेरी बात मानो पार, हमने उस लाश को हटा दिया है। बस तुम यहाँ आ जाओ। मुझे पकड़ लोगे आप? मैं पूछूंगा क्या करूं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। देखो पार, अगर तुमने खून नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरो मत। मैं इसी भी प्रद्युमन, बस अब सिर्फ इतना बताओ कि तुमने देखा क्या। देखो साहब, मैं रात को होटल के कमरे में सो रहा था, रात को एक चोर आया, मेरी आँख खुल गई साहब, मैंने उसका पीछा किया, वो चौथे मंजिल तक गया, मैंने जाके देखा साहब, एक लाश पड़ी थी वहां पे। डर गया था साहब, पीछे गया और चुपचाप अपने कमरे में उड़ के सो गया साहब। तुम्हें पूरा यकीन है कि चोर चौथे मंजिल तक गया था? ऐसा मैं भाग के गया था उसके पीछे पीछे। ठीक है, चेहरा देखा था उसका तुमने? नहीं साहब, बहुत दूर था वो, इसलिए देख नहीं पाया। ठीक है अभिजीत, बड़ा अजीब चक्कर है। पहले एक खून हुआ, उसके बाद में ये चोर कहां से बीच में घुसा? एक काम करो, इस होटल का चप्पा चप्पा अच्छी तरह से छानो, पता करो वो चोर था कौन। सर, जहां पे ये खून हुआ था वहां से कुछ ही दूरी पर ये सिगरेट की राख पड़ी हुई मिली थी। तुम्हें लगता है ये राख खूनी के सिगरेट से आई है? यस सर। सर, एक ही जगह पे राख के 3-4 बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे, इसका मतलब वो आदमी वहीं पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। सर, वहां पास की एक दीवार पर किसी के हाथ का पूरा निशान, ये देखो। मतलब कोई वहां पे काफी देर तक खड़ा था, सिगरेट पी रहा था और ऐश इधर उधर फेंक रहा था। सर, क्या सिर्फ सिगरेट की ऐश को देख के हम पता लगा सकते हैं कि किसने पी थी ये सिगरेट? क्यों नहीं, पता चल सकता है, बहुत आसान है। वाकई में? कैसे सर? बस एक फोन लगाओ। ओके सर। सर किसे? भगवान को। सर आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं ना सर। सर, वहां पे एक बड़ा सा एस्ट्रे रखा हुआ था जिसमें से ये सिगरेट के बट्स मिले। देखा, भगवान ने जवाब भी भेज दिया। वो खूनी ऐश इधर उधर फेंक रहा था, मगर वो सिगरेट तो उसने उसी एस्ट्रे में ही बुझाई होगी ना, जहां से हमें ये सिगरेट के बट्स मिले हैं। इन्हीं में से एक सिगरेट उस खूनी की है। पर सर, इसमें करीब 40-50 बट्स होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से खूनी की सिगरेट कौन सी है? पता चलेगा, खूनी को ढूंढने के लिए 50 तो क्या, 1550 सिगरेट के बट्स का भी टेस्ट हो सकता है। ये सारी चीजें लैब में लेकर चलो। अंग्रेजी सिगरेट? कोष्टुबा, ये कैसा ब्रांड है? ये किसी इंटरनेशनल ब्रांड की सिगरेट है। इंटरनेशनल ब्रांड है? तो क्या बता सकती है ये किस कंट्री का ब्रांड है? श्योर, अगर ब्रांड का नाम पता चल गया तो उसका ओरिजिन मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। विवेक, जरा देखो इंटरनेट, इस ब्रांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या? यस सर। ये खुल क्यों नहीं रहा है? एक ब्रांड नेम ही तो ढूंढना है। सर, मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन ये लैपटॉप पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों? शायद पासवर्ड बदल दिया होगा। पासवर्ड नहीं बदला है,
पासवर्ड नहीं बदला तो फिर ये खुल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये एक नया सॉफ्टवेयर है। नया सॉफ्टवेयर? इससे क्या होगा? सर ये पासवर्ड से नहीं खुलता है। कैसे खुलता है? एक्सक्यूज मी। सर ये मेरा चेहरा देखे बगैर नहीं खुलता। वो कमाल है। कमाल इस सॉफ्टवेयर का है, इससे हम अपने सिस्टम को किसी और को यूज करने से बचा सकते हैं। तो क्या विवेक इसे इस्तेमाल कर सकता है? श्योर, व्हाई नॉट। मिल गया सर। कोश्तुबा, ये टर्की का ब्रांड है। वहाँ के एक फेमस टबैको फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट है सर। और इसकी खासियत ये है कि इसका टबैको वहीं टर्की में ही बनता है। टर्की की सिगरेट? उस आदमी के पास टर्की की सिगरेट है, तो हो सकता है वो आदमी टर्की से आया हो। फ्रेडिक्स, एक काम करो, होटल ओनर को फोन करो और पता करो उसके वहां टर्की से कोई गेस्ट आया है क्या। यस सर। क्योंकि वो खून के वहां मौजूद था। हो सकता है ये टर्की वाले ने ही खून किया। मुझे भी यही लगता है सर। हाँ पता चल गया, उस होटल में टर्की से मेहमान आया है। कौन है? उस होटल में टर्की से मेहमान आया है। कौन है? रागिनी। रागिनी? अरे सुनो जी, रागिनी को देखा है क्या? पहचानते हो ना, इसी होटल में रहती है। जी हाँ, वो सामने तो है। ये एसीपी साहब को देख के हाथ क्यों हिला रही है? क्या इन्हें जानती है? लगता तो है, वरना ये सर को देख के हाथ क्यों हिलाती है? अभिजीत, दया, पुल को चारों तरफ से घेर लो, ये हमारे साथ गेम खेल रही है, जल्दी। बाहर क्यों नहीं आ रही है? कहीं ये डूब तो नहीं गई? ये डूबने बूबने वालों में से नहीं है, ये हमें डुबाने की कोशिश कर रही है। अरे कहीं हाथ से निकल तो नहीं गई? मगर ये बाहर निकल तो नहीं। अभिजीत, कूदो पानी में, देखो कहां गायब होगी। साफ खींच लो उसे ऊपर। आराम से लेटा दो। सर लगता है बेहोश हो गई है। जिस तरह से इसने डाइव मारी है, लगता है ये डूबने वाले में से नहीं है। इसे होश में लाओ। उसका सर रागिनी, रागिनी मैं कहाँ हूँ? अभी भी तुम पूल साइड पे हो और अब हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी नहीं, नहीं अब मुझ में ताकत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम बात नहीं करते। विवेक सर, जरा इसके फिंगरप्रिंट्स लो। फिंगरप्रिंट्स मेरे? लेकिन क्यों? क्योंकि जहां पर खून हुआ है वहां पर हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और हमें लगता है कि वो फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे हैं। तुम वहां पर थी ना? नहीं नहीं, मैं वहां बिल्कुल नहीं थी। ये तुम नहीं, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स डिसाइड करेंगे। अब चलो हमारे साथ। अरे लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं वहाँ नहीं थी। रागिनी जी, मुझे लगता है आपने पानी बहुत कम पिया है।
अगर आपको और प्यास लगी है तो नहीं 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 मैं चलती हूँ। गुड, मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आप लोग मेरे फिंगरप्रिंट्स क्यों ले रहे हो? हाथ यहाँ पे रखो। अजीब जबरदस्ती है, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मेरा हाथ। देखिए फिंगरप्रिंट्स आपको देने ही पड़ेंगे, ये लोग तो मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। जी ब्लैकिंग, आप लोग अभी ब्लैकिंग यूज करते हो? क्या आपको पता नहीं जमाना कितना आगे बढ़ चुका है? जी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, मगर क्रिमिनल्स को फिर भी पकड़ ही लेते हैं। दूसरा दीजिए अपना। That's like a good girl. सर, अगर रागनी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो? विवेक, हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए। अगर नहीं हुए तो क्या होगा वाली बात मुर्दे करते हैं, चलती फिरती लाश बनवाओ, समझे तुम? रागनी खून के वक्त वहां मौजूद थी, अगर इसके प्रिंट्स नहीं भी मैच हुए तो भी कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। यस डॉक्टर नैन। आई एम सॉरी पर रागनी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। वो क्या? रागनी के फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद हैं। क्या? जी हाँ, एक बहुत बड़ी चोर है, ये दुनिया भर के बड़े बड़े होटलों में चोरी कर चुकी है। इतनी बड़ी चोर और एक लड़की, कोई सोच भी नहीं सकता। सो मैडम, आप तो बहुत पहुंची हुई निकली है? सब चोरों की बाप, ओ सॉरी, सब चोरों की मां निकली। सर इसके ऊपर तो धूम का पार्ट 3 बनाना चाहिए। हाँ हाँ, धूम 3, इंटरनेशनल होटल थीफ, जिसे इंडियन सीआईडी ने पकड़ लिया। और अब इस इंटरनेशनल चोर ने एक खून भी किया है। नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी सिगरेट के बर्ड्स मिले हैं हमें, तुम्हारी सिगरेट की ऐश उस लाश के आसपास से मिली हमें, समझे तुम? देखिए, हाँ, मैं उस रात को वहाँ मौजूद थी, पर मैंने खून नहीं किया। मैंने रूम नंबर 216 में चोरी की थी, पर प्लीज, आई स्वेयर, मैंने वो खून नहीं किया। खून नहीं किया है तो क्या लाश से बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही थी? अपनी सिगरेट शेयर कर रही थी उसके साथ तुम? प्लीज, मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो खून नहीं किया। पर हाँ, मैंने वो खून होते हुए देखा। झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस रात जब मैं रूम नंबर 216 से चोरी करके चौथे माले पर छुपी हुई थी, तब मैंने देखा चंद्रू। ये सब देखकर मैं डर गई थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने पार्थ को ऊपर आते हुए देखा, वो भी लाश को देखकर डर गया और वहां से भाग गया। सर आपको लगता है कि ये सच बोल रही है? इसके अलावा कोई और रास्ता है आप लोगों के पास? सर उस आदमी ने चंद्रू को नाम लेके बुलाया, इसका मतलब उसे मालूम था कि चंद्रू ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है सर, चंद्रू ने अपने आने की खबर पहले से किसी को दी होगी। और अगर खबर दी होगी तो फोन पे दी होगी। यस सर, उसने किसी से तो फोन पे बात की होगी। किसी से नहीं, उस खूनी से। एक काम करो, चंद्रू के घर के फोन का सारा डिटेल्स निकलवाओ और पता करो कि पिछले हफ्ते में चंद्रू ने होटल में कितने फोन किए थे। सर हाँ, ये लिस्ट देखिए सर, ये वो फोन नंबर से जो चंद्रू के घर के फोन से किए गए थे। 5682458, ये तो इसी होटल का नंबर है। और परसों रात को 11:30 बजे ये कॉल किया गया था। इसका मतलब है चंद्रू ने यहाँ होटल में फोन किया तो जरूर किसी से बात भी की होगी सर। हाँ, और अगर फोन आया होगा तो वो रिसेप्शन से पास हुआ होगा, रिसेप्शन से पता करते।
देखिए, परसों रात इस नंबर से यहाँ पर एक कॉल आया था। क्या आप बता सकती हैं इस आदमी ने किससे बात की थी? एक मिनट, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। जी हाँ, रात को 11:30 बजे एक आदमी का कॉल आया था। कोई आदमी था जिसे महारानी से बात करनी थी। महारानी से? जी हाँ, वो कह रहा था कि उसे महारानी से ही बात करनी। तो क्या महारानी ने उससे बात की? महारानी जानती थी वो उनसे मिलने आ रहा है? जी नहीं सर, महारानी कोई फोन कॉल्स अटेंड नहीं कर रही थी। मैंने उससे कहा कुछ अर्जेंट है तो मुझे बता दे, मैं मैसेज पास कर दूंगी। पर उसने कहा महारानी की जिंदगी और मौत का सवाल है। फिर? मैंने सोचा कोई बड़ी बात होगी, इसलिए मैंने उसका कॉल दूसरे रूम में ट्रांसफर कर दिया। दूसरे रूम में? किसके रूम में? ये लीजिए, इस रूम में। तो बड़ा ही फिल्मी खेल हो गया। चलो हम भी इस चाकू का खेल खेलते हैं। एसीपी साहब, हमें यहाँ क्यों बुलाया? चंद्रू ने होटल में आने से पहले किसी को फोन किया, उसने यहाँ किसी से बात भी की। महारानी जी, चंद्रू आपसे मिलना चाहता था, क्या उसने आपसे बात की? संभल के बात कीजिए एसीपी साहब। महारानी जी, चंद्रू के साथ आपने बात की? नहीं। नहीं? तो चलो ठीक है। तो फिर शायद चंद्रू ने तारिणी से बात की होगी। क्यों? मुझसे? नहीं, नहीं तो। अच्छा, होटल के लॉग बुक में लिखा है कि 11:30 बजे रात को चंद्रू ने यहाँ पे फोन किया था, तो वो फोन आपके कमरे में भेज दिया गया क्योंकि महारानी जी किसी से बात नहीं करना चाहती। तो क्या कहा था चंद्रू ने आपसे? पता नहीं। क्यों, नशे में थी जब बात हुई थी? देखिए, मैं नशा नहीं करती। तो फिर मालूम कैसे नहीं कि चंद्रू ने किस लिए फोन किया था? उस वक्त मैं नींद में थी। हाँ, मतलब बात हुई थी है? हाँ। चंद्रू ने कहा कि उसे पता है कि महारानी की असली पोती कौन है। नहीं। उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ गए। एक के बाद एक लोग सामने आ रहे थे, पहले अर्जुन और अब ये चंद्रू, और हर कोई कह रहा था कि ये लड़की महारानी की असली पोती है। अर्जुन की लोटिया तो तुमने डुबो दी, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब इस चंद्रू का क्या करे ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा था। उसका एक ही इलाज था, खून। नहीं। तुमने चंद्रू का खून कर दिया है? नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों बताना चाहते हैं आप मुझे? देखिए ना चाची साहब, देखिए ये सब क्या कह रहे हैं। उस रात तो मैं अपने कमरे में थी, मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का खून नहीं किया। हाँ, ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम तो विजयपुर की राजकन्या हो ना, तुम्हें अपने हाथों में चाकू पकड़ने की जरूरत ही क्या है? तो फिर किसने किया ये? महारानी जी, चंद्रू का खून चाकू से हुआ है, किचन नाइफ से। और किचन में से चाकू इतनी आसानी से किसे मिल सकता है? इसे, आपका शेफ प्रीतम। प्रीतम? हाँ प्रीतम। ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा वफादार है। वफादार? अच्छा, तो फिर पूछिए अपने इस लाडली राजकन्या से, तारिणी से, कि वो इस शेफ प्रीतम के साथ घंटों तक इंटरकॉम पर क्या बातें करती थी, क्या वो खाना बनाना सीख रही थी? बोल 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 तारिणी, तूने खून क्यों किया? अरे क्यों किया खून? जब चंद्रू ने मुझे बताया कि वो जानता है कि आपकी पोती कौन है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि उसे हरगिज आपके सामने नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने प्रीतम से कहा कि वो चंद्रू को मार दे, और जब मुझे जायदाद मिलेगी तो आधी आधी पा। पकड़ो उसे, पकड़ो। ए, बस 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 बस, बहुत भाग लिया, चलो बता। महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, मुझे तारिणी ने फंसाया, इसने मुझे फंसाया, माफ कर दीजिए महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे आस्तीन के साथ, और ये इसके बारे में जितना कम कहा जाए अच्छा है। तुम लोग सब दगाबाज हो, अरे तुम सब मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। चलिए महाराज,
अब आप हमारे कैदियों की सेवा करोगे। कम से कम एक तसल्ली तो रहेगी कि हमारे कैदी जेल में भी 5 स्टार का खाना खाएंगे। प्रेडिक्स ले जाओ इसे और विवेक सर इस तारिणी को। तारिणी आइए। एक्सक्यूज मी। चलिए महारानी जी, आप ये सोचती होंगी ना कि इतना सब होने के बाद भी आपको आपकी पोती नहीं मिली। ये मेरा कर्म है एसीपी साहब, और मैं क्या कह सकती हूँ। और अब वो राज भी चंद्रू के साथ खत्म हो गया। चंद्रू आपको आपकी खोई हुई पोती से मिलाना चाहता था। मेरी खोई हुई पोती चंद्रू, ये क्या कह रहे हैं जी? हाँ, चंद्रू आपको आपकी खोई हुई पोती राजेश्वरी से मिलाना चाहता था। राजेश्वरी कहाँ है वो? खान महारानी, यह है चंद्रू की बीवी, आपकी खोई हुई पोती राजेश्वरी। राजेश्वरी मेरी बेटी, इतने सालों तक कहाँ थी, कितना इंतजार करवाया मुझसे। Thank you.